Hello, my dear students, Kesihap. Beta, today we are going to discuss electrical properties of solids. Beta, before discussion of this lecture, I want to tell you one point that like, subscribe, and share this channel. Okay. Share with your friends so that they can take benefit of high-quality lectures of chemistry. इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स सोलिड्स आर डिडेड इन थ्री टाइप्स मेनली थ्री टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं बेटा फर्स्ट इज कंडक्टर्स सेकेंड वी कैन डिस्कस बेटा इंसुलेटर्स थर्ड वी कैन डिस्कस बेटा सेमी तो थ्री टाइप्स ऑफ सॉलिड्स आर देयर बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ओके तो कंडक्टर्स क्या होते हैं वॉट डू मीन बाय कंडक्टर्स बेटा कंडक्टर्स आर दो सबस्टांसेस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी सिंपल सा पॉइंट है ओके और जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं तो उनकी जो कंडक्टिविटी वैल्यूज होंगी दे वेरी इन द रेंज टेन एज फोर टू टेन इज सेवन ओम इनवर्स मीटर इनवर्स ओम इनवर्स मीटर इनवर्स आर द यूनिट्स ऑफ कंडक्टिविटी बेटा ओके तो दो सॉलिड्स दो सॉलिड्स विच हैव कंडक्टिविटी वैल्यूज कंडक्टिविटी वैल्यूज इन बिटवीन टेन रेड टू दावर फोर टू टेन रेड टू दावर सेवन ऑम इनवर्स मिट इन इस रेंज में जिनकी कनेक्टिविटी वैल्यूज लाइक करें उनको हम बेटा कंडक्टर्स बोलते हैं सिंपल पॉइंट है नाव दीज कंडक्टर्स आर फर्दर डिवाइडेड इन टू टाइप्स दीज कंडक्टर्स आर फर्दर डिवाइडेड इन टू टाइप्स बेटा फर्स्ट इज मैटालिक कंडक्टर्स मेटालिक कंडक्टर्स एंड सेकेंड इज बेटा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स टू टाइप्स के कंडक्टर्स होते हैं मेटालिक कंडक्टर्स क्या होंगे मेटल्स हैं एंड मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच इन नेचर सो दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन मीन दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो मेटालिक कंडक्टर क्या होंगे विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी डू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे आर कोल्ड मेटालिक कंडक्टर्स एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं बेटा मेटालिक कंडक्टर्स के फॉर एग्जाम्पल भाई आप आयरन ले सकते हैं यू कैन टेक आयरन कॉपर अनदर एग्जाम्पल व्यू कैन टेक मैंगनीस निकल एटसेट्रा ओके ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मेटेलिक कनेक्टर्स सिल्वर आल्सो गुड एग्जांपल ऑफ मेटेलिक कनेक्टर्स ओके सिमिलरली इलेक्ट्रोलिटी कनेक्टर्स क्या होंगे इलेक्ट्रोलिटी कनेक्टर्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्लो ऑफ आय तो दो कंडक्टर्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्लो ऑफ एग्जाम्पल्स Ions. Ions okay? क्या हो सकते हैं बेटा यहाँ पर एन एस एल ले लो आप के सी एल ले सकते हैं आप एन ए बी आर के बी आर एटसेट्रा ओके दीज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आइदर इन मोल्टन स्टेट और इन एक्व फॉर्म सॉलिड स्टेट में नहीं बिकॉज दीज आइंस आर नॉट फ्री टू मूव ओके तो एक पॉइंट ध्यान रखना है यहां पर इलेक्ट्रॉनिटिक कंडक्टर्स के लिए दीज इलेक्ट्रॉनिटिक कंडक्टर्स बेटा कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आइडर इन मोल्टन फॉर्म और इन एक्व सोल्यूशन या तो इनका एक्वा सोल्यूशन बनाए या फिर मोल्टन फॉर्म में लें इनको तो तभी तो जाकर ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे बट जो मेटालिक कंडक्टर्स हैं दिस मेटालिक कंडक्टर्स बेटा मेटालिक कंडक्टर्स कंडक्ट गुणक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन बोथ किस किस में सॉलिड फॉर्म में भी और मोल्टन फॉर्म में भी है मेटालिक कंडक्टर्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन फोम एज वेल एज इन सॉलिड स्टेट दोनों फॉर्म में ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे मेटालिक कंडक्टर्स ओके तो दोनों में थोड़ा सा आपको डिफरेंसिव पता चल गया कौन किस फॉर्म में कनेक्ट करेगा एग्जाम्पल आपको पता चल गए हैं किसकी वजह से कनेक्टिविटी होती है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगी यहां पर आयस की वजह से होगी ओके नाउ तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा इंसुलेटर्स तो इंसुलेटर्स क्या होंगे बेटा हाउ यू कैन डिफाइन दिस इंसुलेटर्स दो सोलिड्स विच हैव कंडक्टिविटी वैल्यूज इन बिटवीन टेन डेज टू दावर माइनस ट्वेंटी टू टेन डेज टू दावर माइनस टेन ओम इनवर्स मीटर इनवर्स सिंपल पॉइंट है दो सॉलिड्स विच हैव कंडक्टिविटीज इन बिटवीन टेन डेज टू दावर माइनस ट्वेंटी टू टेन डेज टू दावर माइनस टेन ओम इनवर्स मीटर इनवर्स आर कॉल्ड इंसुलेटर्स व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंसुलेटर्स बेटा इंसुलेटर्स हैं भाई रबर प्लास्टिक्स वुड्स सल्फर फॉस्फोरस एटसेट्रा ओके ऑल दिज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बेटा इंसुलेटर्स आपने देखा होगा जो मेटालिक वायर्स होती हैं ओके okay? हम इलेक्ट्रिकल शॉप से लेके आते हैं मेटालिक वायर्स लेके आते हैं कॉपर की वायर लेके आए आप ठीक है ना या फिर आपके पास बेटा सिल्वर की वायर है जो भी है ओके okay? तो वायर के ऊपर रबर की या प्लास्टिक की कोटिंग होती है रबर की कोटिंग होती है बेटा इनके ऊपर ओके जो रबर की कोटिंग होती है उसके अंदर से करंट भी फ्लो कर रहा होता है वायर के अंदर से आप ऊपर से टच भी कर देंगे तो आपको करंट नहीं लगता क्यों क्योंकि कनेक्टिविटी वैल्यूज आर वेरी लो वेरी लो कनेक्टिविटी वैल्यूज ओके ना के बराबर है ये ठीक है ड्यू टू दिस वेरी लो कनेक्टिविटी वैल्यूज दे आर कंसिडर्ड एज इंसुलेटर्स हमें करंट नहीं लगता ओके okay? मैनुअल जो चढ़े होते हैं उनके ऊपर वायरस के ऊपर नाउ नेक्स्ट टाइप टू डिस्कसा थर्ड टाइप ऑफ सबस्टांस इज दैट इज सेमी कंडक्टर्स सेमी कंडक्टर्स क्या होंगे सिंपल सा पॉइंट है विच आर कॉनिटी वैल्यूज इन बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स को तो सेमी बोलेंगे सिंपल सा पॉइंट है ओके सो दोज सॉलिड्स या फिर सब्सटेंसेस विच हैव कंडक्टिविटी वैल्यूज इन बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में करेंगे। दैट इज क्या रेंज होगी रेंजिंग फ्रॉम टेन रेंज टू दावर माइनस सिक्स टू टेन रेज टू द पावर फोर ओम इनवर्स मीटर इनवर्स इस रेंज में अगर कनेक्टिविटी वैल्यूज होंगे उनकी तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम बेटा सेमी कंडक्टर्स बोलेंगे ओके सेमीकंडक्टर्स कितने टाइप के होते हैं सेमीकंडक्टर्स टू टाइप्स के होते हैं वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स इन इंप्यूटेड इफेक्ट्स अगर आपने नहीं देखा है अब तक तो आप देख सकते हैं पॉप आपको दिखाई दे गया होगा बेटा टू टाइप्स के सेमीकंडक्टर्स होते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर्स एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स ओके दोनों सेमीकंडक्टर मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन किए हुए हैं वहां पर वीडियो लेक्चर्स में इंप्यूटेड इफेक्ट्स के अंदर तो आप वहां से इसको जरूर देखें ध्यान से देखें ओके सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर बेटा इन अवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस बैंड थ्यूरी फॉर मेटल्स थैंक्स थैंक्सोट